वेलकम टू हैदराबादी खाने। आज हम बनाने जा रहे हैं खीमा आलू। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो खीमा, 3 डल्ली प्याज, 1 किलो आलू, थोड़ी कटी हरी मिर्च, थोड़ा कोथमीर। सूखे मसालों में हमें चाहिए 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और हमें चाहिए 1.5 बड़ा चम्मच तेल। खीमा हम कुकर में बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तेल ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को मैंने गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया है। अब 5 मिनट के लिए हमें प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने तेज आंच पर 5 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। और मसालों को 1 मिनट के लिए तेल में भून लेंगे। मसाले भूनते वक्त फ्लेम को कम कर लें। अब देखिए, आधे मिनट के लिए हमने मसालों को भून लिया है। अब हम इसमें खीमे को ऐड करेंगे। खीमे को भी मसालों में भून लेंगे 1 मिनट के लिए। अभी भी गैस की फ्लेम स्लो पर है। अब हम गैस का फ्लेम फुल कर देंगे और खीमे को आधे मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए, खीमे का कलर चेंज हो गया है। खीमे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम कुकर को ढक्कन लगाकर 4 सीटी होने तक पकाएंगे और प्रेशर रिलीज होने के बाद कुकर को खोलेंगे। चार से पांच विजिल हो गए हैं। अब हम इसको खोल लेंगे। खीमे को अच्छे से भून लेंगे और प्याज को भी। खीमे को हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। खीमा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और 2 कटी हुई हरी मिर्च। मिला लें अच्छी तरह से इसको। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल के 1 विजिल होने के लिए कुकर को फिर से एक बार लगा देंगे। ये 1 कप पानी ऐड किया मैंने। इसको मिलाने के बाद में 1 विजिल होने तक हम
कुकर को प्रेशर देंगे। एक विजिल हो चुकी है और प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। अब हम इसे खोल कर देखते हैं। देखिए खीमा और आलू अच्छे से पक गए हैं। अब हम चेक करेंगे आलू गले या नहीं। देखिए आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी कोथमीर ऐड करेंगे। खीमा आलू तैयार है। देखिए साइडों से पूरा तेल आ चुका है। अब खीमा आलू रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। मेरी इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपको मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलूंगी। बाय।